Friends, welcome back to study classes. तो प्यारे दोस्तों यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन का जो पेपर था उसका डिस्कशन आपके साथ चल रहा है काफी सारे टॉपिक्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए है काफी प्यार आपका उन वीडियोस पे हमें मिल रहा है और ऐसे ही आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पिक करने वाले डेट इज बिजनेस एथिक्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अब ये वाला जो हमारा टॉपिक है स्पेशली एच का जो टॉपिक है इस पे मैनेजमेंट के अंदर ज्यादा इंफोसिस रहता है एज टू कॉमर्स और एथिक्स में भी इस मैनेजमेंट से ज्यादा सवाल देखने को मिले तो आपको आज के सेशन में कॉमर्स के बहुत ही कम सवाल देखने को मिलेंगे मैनेजमेंट के मेनली सवाल होंगे फिर भी अगर आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं आई वुड रिकमेंड की आप इस सेशन को जरूर देखें कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत हाई लेवल के लगे तो उन्हें स्किप कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस आपके लिए भी इक्वली रेलिवेंट होंगे तो आप भी उन्हें जरूर एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा तो आइए फटाफट -फड़ से अपने आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है What represents the basic द बेसिक a specific mode मोड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेट ऑफ is इज पर्सनली और preferable प्रेफरेबल टू opposite और converse मोड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेट ऑफ existence? ऑप्शन हमें दे रखे हैं एथिक्स बिलीफ वैल्यूज और पर्सनालिटी तो प्यारे दोस्तों सीधी बात है कि ये पर्सनालिटी तो है नहीं आप काट सकते हैं आई थिंक जो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा वो मोस्ट रॉबेबली एथिक्स या फिर वैल्यूज के अंदर हो रहा होगा अब देखो एथिक्स और वैल्यूज इनके बीच के जो की डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं वो थोड़े बहुत आपको मालूम होने चाहिए देखो एथिक्स हमारे पास ना मोर और लेस यूनिवर्सल होते हैं यानी कि कोई चीज अगर मेरे लिए अनएथिकल है तो वर्ल्ड ओवर सबके लिए अनएथिकल होगी जैसे मर्डर करना मेरे लिए अगर अनएथिकल है तो सबके लिए अनएथिकल ही होगा चोरी करना सबके लिए ही होगा बट वैल्यूज जो है ना वैल्यूज में यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल या फिर सोशल एंगल आ जाता है जैसे मेरी फैमिली वैल्यूज मेरी रिलीजियस वैल्यूज बाकी से अलग हो सकती है अब ये सवाल भी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं कि अगर आपके लिए कुछ ऐसा काम जो कि पर्सनली और सोशली प्रेफरेबल है यहाँ पे पर्सनल वाली बात आ गई यूनिवर्सल वाली बात नहीं है पर्सनल वाली बात है तो पर्सनल वाली बात है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनने वाला है वैल्यूज का ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है इन द केस ऑफ एन एक्जीक्यूटिव चेयरमैन व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड ऑन द बोर्ड तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए चेयरमैन क्या होता है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यहां पे कौन से होते हैं तो अभी यहां पे चेयरमैन की अगर हम बात करें देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी का होता है उसके अंदर सारे कंपनी के डायरेक्टर्स पार्ट बनेंगे और इसके कोई चेयरमैन होने वाले अब अगर ये ये वाले जो चेयरमैन है ये है एग्जीक्यूटिव या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो ये भी चीज आपको यहां पे पता होना चाहिए तो एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया वो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉई हैं कंपनी के अंदर डायरेक्ट इंटरेस्ट है उनका तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो गए बट अगर ऐसा केस नहीं है बाहर से किसी पर्सन को लाए हैं कंपनी की सुपरविजन के लिए चेयरमैन बनाने के लिए कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है तो उनको हम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यहाँ पे बोल देते हैं तो अगर आपके चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो उस केस में हमारे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो ज्यादा होने चाहिए क्योंकि जो चेयरमैन है उनकी इंडिपेंडेंस पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है क्योंकि वो तो कंपनी के वैसे ही फुल टाइम एम्प्लॉई हैं तो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा रखने चाहिए कम से कम आधे एटलीस्ट हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हमें रखने चाहिए ऐसा बोला आपके क्लॉज 49 ने क्लॉज 49 मतलब सेबी का एक लिस्टिंग एग्रीमेंट है देखो लिस्टिंग एग्रीमेंट बोले तो अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज कंप्लाई करना पड़ता है।, है, है और उसके अंदर ये सारी चीजें आपकी डाली गई है ये वाले क्लॉज की शुरुआत जो हुई थी ना फाइनेंशियल टू थाउजेंड के आसपास हुई थी और कुमार मंगलम बिरला कमेटी जो है ना वो यहाँ पे बनाई गई थी जिसने इसकी रिकमेंडेशन बेसिकली दी थी और इस क्लॉज के अंदर ऐसा बोला गया कि अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो एटलीस्ट हाफ जो है आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू का बनता है चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द मिनिम प्रिस्क्राइब नेट प्रोफिट थ्रेश होल्ड फॉर कंपनीज टू बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज अंडर क्लॉज वन थर्टी फाइव ऑफ दू थाउजेंड थर्टीन तो हमारा जो कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन है उसका सेक्शन वन थर्टी फाइव जो है ना वो बेसिकली हमें बताता है कि हमारी जो कंपनीज है बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी टर्न ज्यादा है उन्होंने आपको क्राइटेरिया दे रखे हैं कि अगर वो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो फिर प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे सी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है अपने नेट प्रॉफिट का 2 आपको सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना है एंड अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर टू का बन जाएगा तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है द सिक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर करेक्टराइज बाय तो ये सवाल ना बिल्कुल सीधा है ये आपकी जो कॉलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट होती है जिसमें सिक्स स्टेजेस की उन्होंने बात करी है है लेवल्स लेवल्स और ये जो लेवल्स है न, ये जो ना आपसे पे पूछे जा रहे हैं ये तीन लेवल्स आपके पास होते हैं सबसे पहला प्री कन्वेंशनल और फिर कन्वेंशनल और फिर पोस्ट कन्वेंशनल या फिर प्रिंसिपल ओरिएंटेड भी इसे बोला जाता है तो सीधा सीधा सवाल है आपके कॉलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ तो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर का बन जाएगा ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी कोर्स में भी पढ़ी होंगी तो आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं आई होगी विच ऑफ दिजिकल वर्किंग कंडीशन वर्क शेड्यूल इंसेंटिव एंड द नंबर ऑफ पीपल विद होम द इंप्लॉय वुड नॉर्मली इंटरेक्ट ऑप्शन दिए जॉब प्रोफाइल जॉब कंटेंट जॉब कंटेक्सट और जॉब स्पेसिफिकेशन

तो ये कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअल कंट्रोल्ड होती है जो पर्सन जॉब पे काम कर रहा है वो, वो कहीं ना कहीं इस कंटेंट को इन्फ्लुएंस करता है कि क्या काम उसे उस जॉब में करना है अगर जॉब कंटेक्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं कंपनी द्वारा इंफ्लुएंस्ड होता है कि कंपनी आपको किन कंडीशंस में काम कराती है क्या इंसेंटिव आपको देती है क्या शेड्यूल आपको देती है कौन से लोगों के साथ आप कंपनी में बैठ के डील करते हैं तो ये कहीं ना कहीं उस जॉब का ओवरऑल कंटेक्स हो गया ओवरऑल ब्रॉड परसपेक्टिव से उसका कंटेक्स बन गया ये और इसीलिए यहां पे आपका जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर थ्री चलिए तो प्यारे दोस्तों यहां पे आपको का सवाल दिए लिस्ट वन और लिस्ट टू हमें दे रखी है और यहाँ पे लिस्ट वन में सबसे पहले दे रखा है तो यहाँ पे उसको लेकर आपको यहाँ पे अलग अलग फ्रेजेस दिए गए और आपको उन्हें मैच करना है देखो माई बोट एटीट्यूड मतलब की जो कंपनी ये जो फैक्ट्री है ये जो इंडस्ट्री है वो मेरी है ऐसा एटीट्यूड लग रहा है एम्प्लॉयर का तो किससे मैच होना चाहिए फटाफट फड़ से ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो पहला वाला ही आपको सबसे सूटेबल लगेगा कि मेरी बोट है गेट ऑफ इफ यू डू नॉट लाइक इट अगर आपको नहीं पसंद मेरी कंपनी नहीं पसंद मेरे काम करने का तरीका तो यहां से निकल जाओ इसके बाद शेयर्ड शेयर्ड एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि मेरी बोट है मैं आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूं ऐसा कुछ कह रहा है ठीक है जी तो अभी भी यहाँ पे आप देखो अगर आप ऑप्शंस को रीड करोगे तो इसके अंदर जो थ्री वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा सूटेड लग रहा है वी सेल टुगेदर डू नॉट रॉक द बोट है मैं मैं तुम्हारे साथ सेल कर लूंगा, तुम्हें चुपचाप बैठना है, जैसा मैं कह रहा वैसा करते रहना। आप ज़्यादा ज़्यादा पे मत करना boat को, बहुत हिलाने की कोशिश मत करना नॉर्मली अपनी जगह पे बैठे बैठे जो करना है वो करते रहो मेरी बोट को मेरी कंपनी को मेरी ऑर्गेनाइजेशन को आपने नहीं हिलाना इसके बाद है अवरबोड बोट के अंदर थोड़ा सा आपने इंप्लॉय को और ज्यादा एम्पावर करने की कोशिश करिए तो देखो अब सेकेंड वाला अगर आप रीड करोगे इट इज अवर कॉमन एंटरप्राइज लेट अस कंबाइन अवर एफर्ट्स टू बेटर इट ये हमारी दोनों की कंबाइंड एंटरप्राइज है दोनों मिलकर हम इसे आगे लेकर जाएंगे योर योर बोट बोट एटीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि आपने इंप्लॉई को कहा आप ही बोट है आप ही कंपनी आप नहीं चलाना इसे तो आपने एक सेंस ऑफ ओनरशिप एंड प्राइड भर दी एम्प्लॉइज के अंदर ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कॉज के लिए होल हार्टेडली यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करे तो डी वाला आपका फोर से मैच होगा और करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन का बन जाएगा तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल हमारे पास है द टेक्निक्स फॉर अप्रेसिंग परफॉर्मेंस इंक्लूड तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक्स कौन सी है ये सवाल आपसे पूछ रहा है आप ऑप्शंस पर नजर डालेंगे तो कोई तीन आपको चूज करनी है दो को एलिमिनेट करना है आप एक बार अगर रीड आउट करेंगे ग्राफिक रेटिंग स्केल पोटेंशियल रेटिंग ऑल्टरनेट रैंकिंग डायवर्सिटी काउंट्स और पेयर्ड कंपेरिजन मेथड तो आप क्विकली एलिमिनेट कर सकते हैं कि डायवर्सिटी काउंट्स हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल में नहीं आता पोटेंशियल रेटिंग ये तो अलग चीज हो जाती है पोटेंशियल रेटिंग तो आप बात कर रहे हैं कितना पोटेंशियल है इंप्लॉइज के अंदर बट परफॉर्मेंस के अंदर आप कह रहे हैं कि उनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी तो ये तो ये आपके दोनों eliminate हो जाएंगे ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड के अंदर भी आप ग्राफिकली रेटिंग करते हैं आप अप्रेज करते हैं परफॉर्मेंस को और ये आपके पास रैंकिंग मेथड है ऑल्टरनेट रैंकिंग और पेयर्ड कंपेरिजन मैथड पेयर्ड कंपेरिजन के अंदर आप दो इंप्लॉइज को एट ए टाइम पिक करते हैं उनका कंपेरिजन करते हैं और ऑल्टरनेट रैंकिंग के अंदर क्या होगा कि आप जैसे लेट सपोज आपके पास टेन एम्प्लॉइज है तो आप सबसे पहले देखेंगे बेस्ट कौन सा है और वर्स्ट कौन सा है फिर सेकंड बेस्ट और सेकंड वर्स्ट फिर आपका थर्ड बेस्ट और थर्ड वर्स्ट इस तरीके से आप अपना जो है ना यहाँ पे रैंकिंग कर लेंगे तो इस तरीके से ये आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल के अलग अलग मेथड्स काम करते हैं और भी मेथड्स है जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए एग्जामिनेशन परसपेक्टिव से फिलहाल यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ए सी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर फोर का बन जाएगा डिसऑनेस्ट एनुअल रिचुअल हुई है ना उसका कुछ क्रिटिसिजम भी होता है उसमें कुछ कमियां भी होती है जैसे कहा गया ये डिसऑनेस्ट एनुअल रिचुअल है यानी कि हर साल डिसऑनेस्ट तरीके से आप परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हो तो इस तरीके से क्रिटिसिज्म दिया अप्रेजल का ये सवाल आपसे पूछ रहा है अब ये प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है ऐसे सवालों के लिए आप हमेशा पहले से तैयार नहीं रह सकते क्योंकि अलग अलग ऑथर्स से उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट बोली है बट फिलहाल इसका जो आंसर है वो है आर्म एंड मुरलेस करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर वन बट ऐसे सवालों को लेकर आप इतना ज्यादा चिंतित मत होइए क्योंकि बिकॉज देर इज अ लिमिट आप कितना याद कर लेंगे कितनी डेफिनेशन कितने ऑथर्स की बातें याद कर लेंगे तो जितना याद रहती है ठीक है बाकी अपने वगैरह पे ज्यादा वर्क कीजिए चलिए तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है विच ऑफ दी फॉलोइंग अंडर थ्री सीज फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जुड़े हुए थ्री सीज कौन से, से हैं ये सवाल आपसे पूछ रहा है और ये जो सवाल है एक पर्टिकुलर ऑथर ने कुछ बात बोली है उससे जुड़ा हुआ है हमारे पास राव करके एक ऑथर है उन्होंने थ्री सीज की बात करी अपनी डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में उन्होंने बोला कि ये थ्री सीज हमारे पास होते हैं कॉम्पिटेंस कमिटमेंट और कल्चर तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास ये तीन तरीके की एक्टिविटीज पे फोकस रहता है एक तो कॉम्पिटेंस के ऊपर एक कमिटमेंट के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसके ऊपर भी रहता है और इसीलिए करेक्ट आंसर में हमारे पास ए सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर टू यहां पे बन जाएगा चलिए तो प्यारे दोस्तों अब यहां पे हमारे पास सवाल है

अर्लियर टू लेटर यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहला जो बना वो सबसे पहले आएगा और बाकी बाद वाले बन जाएंगे सबसे पहले दिया हुआ मद्रास लेबर यूनियन मैं आपको बताता चलता हूं कब-कब बने ये 1918 में बना था और प्यारे दोस्तों इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बना था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के अंदर इसके बाद हमारे पास बना था रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1931 के अंदर इसके बाद इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 के अंदर और लास्ट में भारतीय मजदूर संघ 1955 के अंदर और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर है ना इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर चलिए तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे सवाल है विच ऑफ दी द्रॉड मॉडल ऑफ एच आर एम एच आर डी तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कौन से ब्रॉड मॉडल्स हैं उनके ऊपर ये यह सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे पहले हार्ड वेरियंट मैचिंग मॉडल ऑफ एच तो प्यारे दोस्तों एच के अंदर एक मॉडल है मैचिंग मॉडल जो कि बेसिकली आपको बताता है कि आपकी मैचिंग होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी में और एचआर की स्ट्रेटेजी के अंदर यहाँ पे आपका ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कम रहता है 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 और इसीलिए इसे हार्ड वेरिएंट भी बोला जाता है। इसके बाद हार्वर्ड मॉडल जो कि बहुत ही पॉपुलर मॉडल है इसे सॉफ्ट वेरिएंट भी बोला जाता है क्योंकि इम्प्लॉज के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस हो जाता है स्टेक होल्डर्स को कंसिडर किया जाता है इसके बाद है हमारे पास फाइव पी मॉडल ऑफ एचआर फाइव पीस की बात की जाती है पर्प प्रिंसिपल प्रोसेस पीपल एंड परफॉर्मेंस की बात की जाती है ये भी एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल है इसके बाद दिया हुआ है बिजनेस स्ट्रेटेजिक स्कूल मॉडल ऑफ एच आर एम बिजनेस स्कूल मॉडल तो प्यारे दोस्तों ये वाला मॉडल नहीं है हमारे एच आर एम के अंदर ए बी और सी देखने को मिलते हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर थ्री का यहाँ पे बन जाएगा चलिए तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे सवाल है विच टाइप ऑफ एम्प्लॉइज आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ आई एच आर एम इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय पी मॉर्गन तो इंटरनेशनल एच आर एम के अंदर कौन से इंप्लॉइज को इंक्लूड किया गया है ये सवाल आपसे यहाँ पे पूछ रहा है और अभी यहाँ पे देखते हैं जी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए

कुछ employees जो यहाँ पे रखे हो वो यूएस से ही आए यूएस आपका है पेरेंट कंपनी पेरेंट कंट्री जो है और इंडिया आपका होस्ट कंट्री है तो कुछ एम्प्लॉय यहाँ पे हो सकता है यूएस से ही आए आपके पेरेंट कंट्री के नेशनल हो जाएंगे कुछ एम्प्लॉय हो सकता है यहाँ पे इंडिया के लिए जाए जो इंडिया के एम्प्लॉय होंगे उनको होस्ट कंट्री नेशनल बोला जाएगा और हो सकता है किसी तीसरी कंट्री से लेकर आए अब क्या कोई और तरीके का एम्प्लॉय यहाँ पे बन सकता है यही तीन तो होंगे या तो यूएसए का होगा पेरेंट कंट्री का या इंडिया का होगा होस्ट कंट्री का या जापान का होगा थर्ड कंट्री का डोमेस्टिक कंट्री वाला तो पॉइंट चलिए तो प्यारे दोस्तों बात है जी अगले सवाल की तरफ और ये सवाल है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल अब ये सवाल आपका वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ है और आपके जो वर्कर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए अलग अलग टूल्स हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पे बात की जा रही है ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल की जो की बहुत ही पुराना हमारे पास ये टूल है जो की नाइनटीन से कहीं ना कहीं शुरू हुआ था और इसके अंदर बात की गई थी कि आपकी प्लांट लेवल पे आपके इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स होंगे नॉट एक्सीडिंग 12 इन दिस ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल जो कि जो आपके इश्यूज है उनको डिस्कस करेंगे और इसीलिए यहां पे जो आंसर बनेगा डाटा इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर टू ट्वेल्व ओनली

वो आपको यहां पे समझ में आए इस सेशन को एंड करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में टिल देन गुड बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट